चली चली चले 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 चली कहानी, चली कहानी। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं चली कहानी। ये है चली कहानी का आजादी स्पेशल। चली चली चले 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 चली कहानी, चली कहानी। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं चली कहानी आजादी स्पेशल। बात कर रहा हूं मैं इस सीरीज में ऐसे रणबांकुरों की जिन्होंने राजस्थान की मिट्टी का नाम पूरे देश में रोशन किया था। आज जिनकी बात करूंगा वो सितारा हैं उस भारत चीन युद्ध का, जो हमारे लिए इतिहास का सबसे बड़ा दर्द रहा है। आजादी के बाद की वो पहली लड़ाई जो देश के लिए एक बहुत बड़ा हादसा थी। 20 अक्टूबर 1962 में चीन ने आक्रमण किया था हम पर। पूरा देश हतप्रत था। ये वैसी ही परिस्थिति थी जैसी आज भी उत्पन्न हुई है। चीन के धीरे धीरे अपनी सीमा को फैलाने की वजह से वो युद्ध हुआ था। गलवान घाटी में हमने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस बार युद्ध तो नहीं हुआ है, लेकिन 1962 में वो हुआ था जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। किसी ने सोचा नहीं था कि चाइना हम पर आक्रमण करेगा, पर वो आक्रमण हो गया। तब गोपाल सिंह नेपाली नाम के एक शख्स ने एक कविता लिखी थी जो उस वक्त अधूरी रह गई थी। मैं उसी से आज की हमारी ये कहानी शुरू करता हूं। उन्होंने लिखा था कि अंबर के तले हिंद की दीवार हिमालय, सदियों रहा शांति की मीनार हिमालय, अब मांग रहा है हिंद से तलवार हिमालय, भारत की तरफ चीन ने है पांव पसारा, 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा। हम भाई समझते जिसे दुनिया से उलझ के, वो घेर रहा आज हमें बैरी समझ के, चोरी भी करे और करे बात गरज के, बर्फों में पिघलने को चला लाल सितारा, 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा। तब की ये पुकार थी। ये वो दौर था जब हमारी सेना के पास संसाधन कम थे, उतनी तैयारी नहीं थी जितनी आज है। और कई सैनिक कहते हैं कि हम सिर्फ इसीलिए पीछे हटे क्योंकि संसाधनों की कमी हो गई थी। ऐसे में कुछ ऐसे जाबाज नौजवान थे जो अपनी पोस्ट से पीछे भी नहीं हटे, वहाँ पर डटकर लड़ते भी रहे। और इकलौती ऐसी पोस्ट थी जहाँ से चाइना हमारे देश में उस वक्त घुस नहीं पाया था। ये उस वक्त की बात है, ये उस पोस्ट की बात है जिसे संभाल रहे थे जोधपुर के सैनिक, जोधपुर के नौजवान। नाम था उनका मेजर शैतान सिंह। आज उन्हीं की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये कहानी शुरू होती है 18 नवंबर 1962 से। नेहरू जी का जन्मदिन 4 दिन पहले ही गुजरा था। इस युद्ध का एक दौर रुक गया था, उस पर कई चर्चाओं के बाद युद्ध दोबारा शुरू हुआ। और ये फिर बात पहुंची उस जगह जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी। लद्दाख में ठंड कलेजा जमा देने वाली पड़ रही थी। तेज हवाएं चल रही थी, बर्फीली धुंध पसरी हुई थी। यहां पर अब तक सूरज नहीं उगा था। सीमा पर भारत के पहरुए मौजूद थे और 13 कुमायूं बटालियन की सी कंपनी चुशूल सेक्टर में तैनात थी। इस बटालियन में 120 जवान थे जिनके पास अनुभव नहीं था इस ठंड से लड़ने का। उन्होंने कभी भी इतनी ठंड में कोई युद्ध नहीं करा था। वो इस माहौल के लिए नए थे, लेकिन उन्होंने युद्ध लड़ा भी, अपनी जान गंवाई भी और दुश्मन को रोके भी रखा। इसी कंपनी को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। आज सुना रहा हूं चली कहानी आज़ादी स्पेशल में आपको मेजर शैतान सिंह की वो कहानी जिसकी वजह से हमारा सम्मान 1962 की उस लड़ाई में एक पोस्ट पर पूरी तरह से बरकरार था। गोपाल सिंह नेपाली की कविता में लिखा है कि कह दो कि हिमालय तो क्या पत्थर भी ना देंगे, लद्दाख की तो बात क्या बंजर भी ना देंगे, आसाम हमारा है मरकर भी ना देंगे, है चीन का लद्दाख तो तिब्बत है हमारा, 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा। हिमालय की वो गूंज थी, हिमालय की ठंड में वो लड़ाई थी जिसे लीड किया मेजर शैतान सिंह ने। सुबह 4 या 5 बजे का वक्त था। तभी सुबह की उस धुंध में रेजांग ला, जिसे रेजांग पास कहते हैं, वहां पर चीन की तरफ से कुछ हलचल हुई। बटालियन के जवानों ने देखा कि उनकी तरफ रोशनी के कुछ गोले चले आ रहे हैं। इन टिमटिमाते गोलों को देखकर वो समझ नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। बटालियन के सबसे आगे थे मेजर शैतान सिंह। उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। थोड़ी देर में उन्हें पता चला कि रोशनी की गोले असल में लालटेन है, लेकिन इन्हें ला कौन रहा था? कोई सैनिक नहीं बल्कि कई सारे याक, जो वहां का सबसे ज्यादा प्रचलित पशु है, उसके गले में लटकाकर चीनी सेना ने भारत की तरफ ढेर सारी लालटेनें भेज दी थी। ये एक चाल थी। अक्साई चीन को लेकर चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। चीनी सेना पूरी तरह से तैयार थी। आखिर उन्हें ठंड में लड़ने की आदत थी। उनके पास पर्याप्त हथियार थे, जबकि भारत की टुकड़ी के पास 300-400 राउंड गोलियां और सिर्फ 1000 हथगोले। इतना ही नहीं, बंदूकें भी उनके पास ऐसी थी जो एक बार में एक फायर करती थी। इन्हें दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद बेकार घोषित किया जा चुका था, लेकिन हमारी तैयारी पूरी नहीं थी। चीन को इस बात की जानकारी अच्छे से थी, इसलिए उसने टुकड़ी की गोलियां खत्म करने के लिए पहले ये चाल चली। चीन के सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। सामने मौजूद थी 120 जवानों की एक छोटी सी टुकड़ी। मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस पर सीनियर अधिकारियों से बात की। उन्होंने मदद मांगनी चाहिए, पर अफसोस सीनियर अफसरों ने कह दिया था कि अभी मदद वहां नहीं पहुंच सकती, आप चौकी छोड़कर पीछे हट सकते हैं। लेकिन आप ही सोचिए, वो वीर नौजवान जो अपनी पूरी टुकड़ी को लीड कर रहा है जंग के मैदान में, जिसने कभी हारना या दुश्मन से हार मानना सीखा ही नहीं, वो अपनी चौकी छोड़कर पीछे कैसे हट जाता? जब देशभक्ति का ये जज्बा हो तो आप पीछे नहीं हटते। उनसे कहा गया था कि मेजर अपने साथियों की जान बचा लें, लेकिन मेजर पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। चौकी छोड़ने का मतलब था हार मानना। उन्होंने अपनी टुकड़ी के साथ एक छोटी सी मीटिंग की, सिचुएशन की ब्रीफिंग दी और कहा, अगर कोई पीछे हटना चाहता है तो हट सकता है, लेकिन हम लड़ेंगे। सब उनके साथ थे। गोलियां कम थी, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। चीन से लड़ पाना नामुमकिन था, लेकिन बटालियन ने अपने मेजर के फैसले पर भरोसा दिखाया। दूसरी तरफ से तोप और मोटार बमों का हमला शुरू हो गया था। चीनी सैनिकों से ये 120 जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक जवान ने लोहा लिया और उन्हें मौत के घाट उतारा। इन्हीं के लिए कवि प्रदीप ने जो गाना लिखा था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, वो महान गीत जो हमें देशभक्ति से ओत प्रोत करता है, उसमें लिखी थी कुछ पंक्तियां जो इन्हीं जवानों के लिए है, और वो थी, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो कह गए कि हम चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ज्यादातर जवान शहीद हो गए और बहुत से जवान बुरी तरह घायल हो गए। मेजर खून से सने हुए थे। 2 सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए। मेडिकल हेल्प वहां मौजूद नहीं थी, इसीलिए बर्फीली पहाड़ियों से नीचे उतरना पड़ रहा था। मेजर से सैनिकों ने मेडिकल हेल्प लेने की बात की, लेकिन मेजर शैतान सिंह ने मना कर दिया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि एक मशीन गन लेकर आओ। मशीन गन आ गई। उन्होंने कहा कि गन के ट्रिगर को रस्सी से मेरे पैर से बांध दो। उनके दोनों हाथ खून से लथपथ थे। उन्होंने रस्सी की मदद से अपने एक पैर के अंगूठे पर जो रस्सी बंधी थी, उससे फायरिंग करनी शुरू कर दी। उन्होंने दोनों जवानों से कहा कि सीनियर अफसरों से फिर से संपर्क करो और जाकर उन्हें सारी बात समझाओ, तब तक मैं यहाँ मौजूद रहूँगा, लड़ता रहूँगा। पैर से रस्सी बंधी थी, उससे बंधी थी एक मशीन गन का ट्रिगर। चल रही थी गोलियाँ सेना के एक ऐसे जवान की तरफ से जो जान तो छोड़ने को तैयार था, लेकिन अपनी पोस्ट छोड़कर जाने को तैयार नहीं था, मेजर शैतान सिंह। मेजर वहां लड़ते रहे। बाद में उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। बताया जाता है कि 120 में से 114 जवानों के वहां पर शव मिले थे। बाकियों को शायद चाइना ने बंदी बना लिया था। हालांकि भारत ये युद्ध हार गया, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांग ला पर ही हुआ था। कहा जाता है कि उस जगह चाइना ने तकरीबन 3000 सैनिकों की टुकड़ी भेजी थी, जिनमें से 1800 सैनिक यहाँ पर मारे गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि 120 जवानों की उस टुकड़ी ने एक जवान ने 10-10 को मारा था, लेकिन पीछे नहीं हटे। वहां पर लड़ते लड़ते मेजर शैतान सिंह का काफी वक्त तक कुछ पता नहीं चला। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और रेड क्रॉस सोसाइटी और सेना के जवानों ने उन्हें खोजना शुरू किया, तब एक गडरिये ने बताया कि एक चट्टान के नीचे कोई दिख रहा है। लोग उसी चट्टान के नीचे पहुंचे जहां मेजर ने मशीन गन से चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। उस जगह उनका शव मशीन गन के साथ मिला। पैरों में अब भी रस्सी बंधी हुई थी। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था। उस सैनिक ने ना तो अपनी पोस्ट छोड़ी, ना छोड़ी अपनी बंदूक, और ना छोड़ा अपने देश का एक भी छोटा सा टुकड़ा। हालांकि हम वो युद्ध हार गए थे, लेकिन रेजांग ला के उन सैनिकों ने, मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व ने और उनकी उस वीरता ने हमारे देश को सम्मान के साथ सर उठाने का एक मौका तो दिया ही था। मेजर शैतान सिंह 37 बरस के थे। उनकी कुमाऊं रेजिमेंट ने अपने साहस के दम पर चीनी सेना को वहां पर रोके रखा था और हंसते हंसते देश के लिए जान न्यौछावर कर दी। उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। उनके गांव का नाम मेजर शैतान सिंह नगर रखा गया और फलौदी से 12 किलोमीटर दूर बानासर स्टेशन का नाम शैतान सिंह स्टेशन रख दिया गया। ये वो कोशिशें हैं जिससे इनके नाम हमारी दुनिया में अमर हो जाएं। जिन चौराहों का नाम इन शहीदों के नाम पर रखा जाता है, उन्हें पढ़कर आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें याद रखें। पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाता। उनका शरीर 3 महीने तक बर्फ में दबा रहा। रस्सी से बंधी थी एक मशीन गन और रस्सी को मेजर शैतान सिंह अपने पैर से थामे हुए थे। 3 महीनों तक बर्फ में, बस यही सोच के साथ कि दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने देना है। बाद में मेजर शैतान सिंह को उनके होम टाउन जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें अंतिम विदाई दी गई। चुशूल में हुए इस अदम्य साहस के परिचय को जब सेना ने भी देखा तो वहां पर एक वॉर मेमोरियल बनवाया गया। उस वॉर मेमोरियल पर कुछ खास लिखा है जो मैं यहां बताना चाहूंगा। द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम लेज ऑफ एंशिएंट रोम बाय थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। उनकी कविता से लिखा गया है कि हाउ कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग फेयरफुल ऑड्स for the ashes of his fathers and the temples of his gods. How can man die better than facing fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods? To the sacred memory of the heroes of Rezang La, 114 martyrs of 13 Kumaun who fought to the last man, last round against hordes of Chinese on 18th November 1962. Built by all ranks, 13th Battalion, the Kumaon Regiment. ऐसे ही हजारों वीर हर छोटी से बड़ी जंग में अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं उन बॉर्डर्स पर जहां पर वो हमारी रखवाली कर रहे हैं देश के दुश्मनों से। रेडियो सिटी का सलाम और उस जवान को जिसने हमारे देश के लिए अपनी जान गंवाई है। चली कहानी आजादी स्पेशल आप सुन रहे थे। मैं हूं कहानी वाला रजत। फिर लौटूंगा एक और कहानी लेकर। चली 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 कहानी, चली कहानी, चली